पुलिस कर्मचारी सैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बकाया वेतन भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज़। देखिए, अभी मैं औरंगाबाद के दानीबीघा पार्क के पास मौजूद हूं और यहां एम्बुलेंस कर्मी और चालक जो हैं वह अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इन लोग नारेबाजी कर रहे हैं और दो सूत्री मांग है इन लोगों की। दो सूत्री मांग को लेकर के 23 तारीख से इन लोग धरना पर हैं और आज इनकी जो धरना है वह दूसरे दिन धरना को कवरेज करने के लिए हम आज पहुंचे थे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो चालक हैं और इनके जो कर्मी हैं वह धरना पर बैठे हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे। क्या कुछ मांग है इनकी, इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार टाइगर, औरंगाबाद जिला 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष। अच्छा। हम सभी कर्मचारियों का मांग है कि अगस्त मंथ से जो बकाया वेतन है वो हम लोग को भुगतान किया जाए और नए कंपनी जो आई है जैन प्लस, उसमें हम सभी 143 कर्मचारियों को समायोजित किया जाए। अच्छा, इसका मतलब कि पहले से जो कंपनी आप लोगों को काम करवा रही थी उस कंपनी को ठेका नहीं मिला इस बार? नहीं, इस बार उसको नहीं मिला है, पीडीपीएल को। तो वो नई तरीके से फिर बहाली कर रही है? वो बहुत सारे लोगों को नई तरीके से बहाली कर रही है। अच्छा, आप स्थिति में क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। DPM साहब को लेटर दे दिए हैं, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं जिला के उनको हम लोग लेटर दे दिए हैं। इस दरमियान में जो आप लोग एम्बुलेंस चालक हैं, अस्पताल से आप लोग मरीज को ढोते हैं, तो एम्बुलेंस अभी चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं, सभी एम्बुलेंस औरंगाबाद जिला के बंद है, हड़ताल पर है, सभी बंद है 102 एम्बुलेंस। अच्छा, इसको लेकर के कभी कोई पदाधिकारी आकर के पहल किए हैं कि नहीं? अभी तक तो कोई भी पदाधिकारी हमारे पास कोई पहल नहीं किए हैं और ना ही किसी प्रकार का फोन आया मेरे पास। कोई फोन नहीं आया? नहीं सर। तो इस स्थिति में सदर अस्पताल या फिर और भी सरकारी अस्पताल है जिले में, उसमें मरीजों को कैसे ढोया जा रहा है? वो अपना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हैं जहाँ तक। वैकल्पिक व्यवस्था? हाँ, उन लोग किए हुए हैं। जहाँ तक देख रहे हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस को यूज़ किया जा रहा है? हाँ, वही यूज़ किया जा रहा है। मतलब कमाई तो उन लोगों का बढ़ गया? हाँ, उन लोग को तो बढ़ गया है कमाई, मनमाना चल रहा है उन लोग को। अगस्त से आप लोगों को पेमेंट भी नहीं मिला है? जी नहीं सर, 12 सितंबर को अगले बार भी हम लोग हड़ताल पर बैठे थे तो एक ही दिन में हड़ताल हम लोग को तोड़वा दिया गया था। 3 महीने का पेमेंट हम लोग को भुगतान कर दिया गया था और SEO महोदय हमारे आए थे, एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर हैं, वो आश्वासन दिए थे कि एक सप्ताह के अंदर में DPM साहब बोले हैं कि अगस्त का पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु अगस्त का पेमेंट भुगतान नहीं किया गया। और हम लोग मानवता का परिचय देते हुए दुर्गा पूजा में, जो हिंदू का महान पर्व है दुर्गा पूजा, उसमें हम लोग ने काम किया और हम लोग को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया हम लोग को। नज़दीक में दीपावली आने वाला है, अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहा है हम लोग को पेमेंट का। छठ पूजा आने वाला है, देव में छठ जो है वह ऐतिहासिक छठ पूजा होता है और इसमें कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस की भूमिका जो है वह मेले में काफ़ी होगी, अहम होगी। तो क्या लगता है उससे पहले आप लोगों की मांग को पूरा होने का आशा है? उम्मीद तो सर नहीं जग रहा है, चूँकि कोई पदाधिकारी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए हैं और अहम भूमिका है इसका जो है सर। पिछले बार जो आश्वासन मिला था उसमें कोई पहल हुआ अब तक? अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पेमेंट भुगतान कर दिया जाए और जो नए कंपनी है उसमें हम सभी कर्मचारियों को समायोजित कर दिया जाए, बस इतना ही हम लोग को मांग है सर। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है या ऐसा कंपनी नहीं करती है तो क्या कीजिएगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग पूरा होगा, जैसे जो पेमेंट आया था स्टेट से वो पेमेंट अभी स्टेट के द्वारा होल्ड कर दिया गया है कि किसी का पेमेंट नहीं किया जाएगा और जैसे ही आदेश आता है तो इन लोग का पेमेंट का भरपाई किया जाएगा। इन लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया और दूसरी कंपनी जो आई है वह अब दूसरे लोगों को बहाल कर रही है। ऐसा नहीं है, इन लोग को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इन लोग को हटाया जाएगा, जो स्टाफ है ना पुराने स्टाफ उन लोगों को रखा जाएगा। अच्छा, ये बात सही, इन लोग आरोप लगा रहे थे कि गाड़ी जब पंचर होती है तो चालक ही बनवाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है तो उसे चालक ही बनवाते हैं। एक्सीडेंटल में तो नहीं कर सकते हैं, एक्सीडेंटल में तो अभी भी देख सकते हैं औरंगाबाद के दो गाड़ी पटना में लगी हुई है, उसका भरपाई कंपनी करती है। आरोप लगा रहे थे? हाँ, आरोप लगाना तो अपना है, अब ये अपना बात रख सकते हैं। आप अभी आए हैं आश्वासन देने इन लोगों को? नहीं, हम देखने पूछने आए हैं कि मतलब मनसा क्या है, मतलब फिर सर DPM सर से बात करेंगे इन लोग के सर पेमेंट किया जाए, क्या कि दीपावली छठ पर्व है तो इन लोग का भी घर में पर्व है, इस चलते पेमेंट किया जाए। और भी कर्मी कर्मचारी जो हैं वह प्रदेश स्तर तक के इसमें जो लोग हैं शामिल हैं और धरना में मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मांग है सर, और आपकी अगर मांग नहीं हो पूरी की जाती है तो आगे क्या करने का प्लान है? हम प्रवीण कुमार सिंह चालक हैं 102 एम्बुलेंस का। हमारी मांग सबसे पहले है कि जितना भी कर्मचारी का वेतन बकाया है उसको अविलंब दिया जाए,
उसके बाद समायोजन किया जाए। हम लोग सर 2012 से काम कर रहे हैं, 2012 में जैन वीडियो काम किया, 6 महीना का हम लोग का पेमेंट, 11 महीना का पीएफ लेके भाग गया, लेकिन कोई भी सरकार का आदमी हम लोग पर पहल नहीं किया कि इन लोग का जो 6 महीना का तनख्वाह चला गया लेके, 11 महीना का पीएफ लेके चला गया, वो इन लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तक नहीं मिला, आज तक हम लोग को पैसा के लिए भटक रहे हैं। उसके बाद राजस्व समिति चलाती है, राजस्व समिति 2 साल काम की, हम लोग को पेमेंट दिया, लेकिन 2 साल में 1 महीना का भी पीएफ का पैसा नहीं दिया। वो भी हम लोग के साथ गद्दारी किया, पेमेंट तो दिया लेकिन पीएफ का पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर ये नया टेंडर होता है, उसमें पीडीपीएल आता है, समान फाउंडेशन आता है, 5 साल से ये काम कर रहा है, ये भी कंपनी जाने वाला है, इसका भी टेंडर ख़त्म हो गया है, 3 महीना का हम लोग का पेमेंट बकाया इसके के यहाँ। ये नया जो पिछले अभी जो चला रही है कंपनी, इसके क्या हम लोग का 3 महीना का बकाया पेमेंट है, 6 महीना का बकाया पीएफ है, और ये टेंडर हो गया दूसरे कंपनी में। अच्छा। तो हम लोग को मांग है कि अगर कंपनी आप चेंज कर रहे हैं तो हम लोग का जो बकाया हो क्लियर कीजिए, ना तो पिछले जो सरकार में चलाया जैन वीडियो उसी के तरह ये भी पेमेंट लेके भाग जाएगा, पीएफ के पैसा लेके भाग जाएगा, फिर उसका कौन जिम्मेवार होगा देने के लिए। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने, हम लोग को अगर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ कोई हम लोग को मांग को सही ढंग से बात करने के लिए नहीं आता है, तो हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे, सिविल सर्जन का घेराव करेंगे, डीपीएम का घेराव करेंगे, डीएम का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ 3 दिन का हम लोग समय दिए हैं, 3 दिन में अगर नहीं आता है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे। इसका सारा जिम्मेवारी हमारे डीएचएस डीपीएम साहब को, सिविल सर्जन साहब को होगा। गलती डीपीएम साहब ही, बिल्कुल सारा जिम्मेवारी डीपीएम का है, ये डीपीएम साहब के अंडर में ही चलता है 102 एम्बुलेंस, इसलिए डीपीएम साहब को इस पे बात करना चाहिए, उनको आना चाहिए। अगर अभी हमारे हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग का फ़ोन आ रहा है कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट आया है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो वो लोग प्राइवेट गाड़ी से भेज रहे हैं, यहाँ मतलब 2000 भाड़ा होना चाहिए, वहाँ 5000 में जा रहा है, यहाँ 5000 होना चाहिए, 10000 में हो रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल के स्टाफ जो कर्मचारी वो भी मिलकर इसमें कमीशन खा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी को भेज रहे हैं। कमीशन खा रहे हैं, अभी मरीज से मिल के खबर चला रहे थे, उसमें मरीज बोल रहे थे कि 6000-7000 पटना ले जाने के लिए लगा। पटना का किराया 3500 है लेकिन 6000 लग रहा है, इसमें 2000 कमीशन मिलेगा। अच्छा, स्टाफ को हाँ कि हम तुम्हारा गाड़ी भेज रहे हैं, 2000 इसमें से हमको दो, इस तरह का धंधा चल रहा है। ये सारे डीपीएम साहब का देख रेख में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, वो जान रहे हैं। आप लोग को धरना स्थल यहाँ कौन दिया? धरना स्थल हम लोग को बताया गया कि दानी बीघा धरना स्थल है, आप वहीं जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। कौन बताए? हम लोग को हॉस्पिटल से ही मतलब सूचना दिया गया कि हॉस्पिटल में जगह ऐसे भी नहीं है, ना तो हम लोग हॉस्पिटल में ही बैठते, लेकिन धरना स्थल को हम लोग चूज किए हैं। यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी जो चल रही है उस पर अंकुश आप लोग नहीं लगा रहे हैं? प्राइवेट गाड़ी पर हम लोग अंकुश नहीं लगा सकते हैं ना, प्राइवेट गाड़ी पर अंकुश लगाएंगे तो हमारे ही कोई भाई, हमारे ही कोई रिलेशन का उसमें एक्सीडेंट कर गया रहा, कोई आ रहा है के लिए बोल रहे हैं, जो कमीशन खोरी चल रहा है, महंगा पर में मरीजों को एम्बुलेंस प्राप्त हो रहा है, तो उस पर अंकुश। जब सरकार इस पे नहीं कर रहा है तो हम एक आम जनता के तरह हैं, हम उस पे क्या अंकुश लगाएंगे? जिसके हाथ में अंकुश लगाने का कैपेसिटी है, पावर है, वो तो खुला छूट दिए हुए है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप लोगों को पेमेंट इतना लेट से मिलता था, कैसे परिवार का पेमेंट? तो सर इतना इसका मतलब लचर व्यवस्था है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है तो ड्राइवर खेत इजारा रख के और उस गाड़ी को बनवाता है। अच्छा, आप लोग तक होता है, गाड़ी भी नहीं बनवाते? हमारे ही दो देखिए स्टाफ हैं, ये दो स्टाफ को 60,000 रुपया देना पड़ा है गाड़ी बनवाने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि गाड़ी लड़ गया? अरे गाड़ी लड़ेगा नहीं, रोड में चल रहा है तो गाड़ी लड़ेगा ही, तो नहीं तुम इसको घर से बनवाओ। अच्छा, ये कहाँ का रूल है? इसका भरपाई सरकार, डीएम का गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करता है क्या? मुख्यमंत्री का गाड़ी एक्सीडेंट नहीं किया है? प्रधानमंत्री का भी गाड़ी, तो क्या उनका ड्राइवर गाड़ी बनवाता है? अच्छा, आप लोग को हाँ, यहाँ 102 एम्बुलेंस का गाड़ी अगर लड़ गया तो उसका ड्राइवर बनवाएगा, उसका टेक्नीशियन EMT जो है वो गाड़ी बनवाएगा। सही में ऐसा बात है? बिल्कुल हाँ सही है। कब हुआ था ऐसा मामला? ये हो गया, ये 3-4 महीना हो गया। 4 महीना क्या हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ था सरघाटी के पास। अच्छा, गया जा रहे थे? हाँ गया जा रहे थे, मरीज के लेके गया जा रहे थे। गाड़ी में क्या खराबी आई थी? गाड़ी में आगे से एक बैग ट्रक रोक दिया, उसमें ब्रेक लगते लगते जाके गाड़ी सट गया, सही से नहीं हो पाता है। उसमें 20-22 हज़ार रुपया हम लोग को पेमेंट कट गया, जो 2 महीना का पेमेंट था, पेमेंट उसमें कट गया। पेमेंट काट लिया गया? पेमेंट काट लिया गया, 2 महीना का पेमेंट काट लिया गया। तो इसका विरोध आप लोग संघ के लोग नहीं किए? विरोध तो हम लोग ये का विरोध है, ये है विरोध में उसका है, ये है। अच्छा। पेमेंट नहीं डाला है, 3 महीना का पेमेंट रुका हुआ है, उसका विरोध में है।
जो मैंने उसका सही सही बात है। हाँ सही बात है जी सर। 1,00,000 रुपया हमारा गाड़ी स्वयं 1,00,000 रुपया लगा गाड़ी बनाने में, कंपनी का 1 रुपया उसमें नहीं लगा। वो गाड़ी हम बनवाए, गाड़ी मेरा एक्सीडेंट किया, एक ट्रैक्टर वाला ने मार दिया, लेकिन मानवता में उसको घेरा हुआ तो थाना प्रशासन आया। थाना प्रशासन आने के बाद सबको ये मुखिया जुटे, जिला परिषद जुटे, बोले कि मानवता में जाके गाड़ी बनवाओ। 1,00,000 रुपया गाड़ी में लगा, वो ट्रैक्टर मालिक गाड़ी बनवाया, कंपनी का 1 रुपया नहीं लगा, लेकिन हम लोग 2 स्टाफ का पेमेंट 2-1.5 महीना का मतलब नहीं मिला, 30-45 दिन का पेमेंट काट लिया गया। फिर ये पेमेंट किस लिए काटा गया? अगर उनसे पूछा जाए कि आपको तो इसमें 1 रुपया लगा भी नहीं, हम तो इतना किए कि कम से कम आपका गाड़ी बनवाए, मेरा नहीं लगा लेकिन किसी का लगा गाड़ी, जबकि इनका गाड़ी इंश्योरेंस अगर सही रहता तो उसका भी पैसा नहीं लगता। बिना इंश्योरेंस के लोग गाड़ी चलवाते हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चलवाते हैं, गाड़ी का 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गया, एम्बुलेंस चलने का कैपेसिटी ही 2 लाख रखा गया है, 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है, गाड़ी का कंडीशन जाके देखिए, एक भी गाड़ी एम्बुलेंस लायक नहीं है लेकिन गाड़ी चल रहा है, ना MVI है, ना फिटनेस है, ना इंश्योरेंस है। यह सब प्रशासन के देख रेख में ही सारा चीज़ होता है, ऐसा नहीं है सबको चेक हो रहा है, एम्बुलेंस को क्यों नहीं चेक हो रहा है? उसका फिटनेस चेक करिए, कागज़ चेक करिए, इंश्योरेंस का है नहीं है, फिटनेस का है नहीं है। गाड़ी जब 2 लाख ही लिमिट बनाया गया है कि 2 लाख पे एम्बुलेंस चेंज होगा, गाड़ी 3 लाख का चल जा रहा है, 4 लाख चल रहा है लेकिन चल रहा है, तो गाड़ी का स्थिति खराब है तो गाड़ी तो एक्सीडेंट करेगा ही, ना ब्रेक सही है, ना क्लच सही है, ना स्टेयरिंग सही है, तो काम भी नहीं करवाती है। काम तो क्या करवाती है सर, चल के देखिए गैरेज में, 3 महीना से गाड़ी पड़ा हुआ है, कहा तो ब्रेक पैड नहीं है, ब्रेक पैड के लिए 3 महीना से गाड़ी खड़ा है। एक हमारे टाटा मोटर में गाड़ी खड़ा है, 4 साल हो गया, सोचिए सरकार कितना निकम्मा अंधा हो गया है, 4 साल से हमारे पॉइंट का हसपुरा पॉइंट का गाड़ी है। मेंटेनेंस के लिए विभाग पैसा देती है, पैसा देती है तो पैसा में कमीशन कम होगा तो गाड़ियाँ छोड़ देगा लोग, कुछ मेंटेन नहीं होता है, पंचर हर चीज में कमीशन, पंचर 10,000 जो पेमेंट है ना सर, उसी में से आपको पंचर बनाना है, उसी में से पंचर बनवाना है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आप का 4 दिन गाड़ी अगर ऑफ रोड हुआ, वो 4 दिन का आपका पेमेंट कटेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो गाड़ी ऑफ रोड होता तो उसमें हम लोग दोषी हैं, कंपनी ने दोषी है, बनवाओ तुम, हम नहीं चलाए तब तो। चलिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दे रहे एम्बुलेंस चालक और कर्मी को, जिन्होंने साफ तौर पर विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग जो है वह अंधा हो गई है, हम लोगों की नहीं सुनती है, गाड़ी पूरी तरह से एम्बुलेंस की जो है वह ख़राब हो चुकी है लेकिन उसे विभाग नहीं बनवाती है, जब गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है उसमें भी विभाग कोई ध्यान नहीं देती है, चालक कर्ज लेकर के और उसको बनवाते हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इन लोगों ने कई तरह का आरोप लगाया, कमीशन खोरी का भी जो है वह खेल इस कार्य में चलती है, पंचर बनवाने का भी कार्य चालक ही करते हैं। इन लोगों की मांग क्या है आप लोगों ने इनके ही बात मुखारबिंद से सुना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।